नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल जादौन एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है और सीजीएल के एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज किया गया है। बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को पता चल गई हैं और मैंने भी बहुत सारे वीडियोज देखे हैं। एक्चुअली मैं अभी इस टाइम पे आउट ऑफ स्टेशन हूं, तो मैं प्रॉपरली आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया और अभी भी मैं फोन से रिकॉर्ड करके आप लोगों को दो चार बातें बताना चाहूंगा। जितने भी वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी आपको, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, पैनिक भी हो रहे होंगे और एम्फेसाइज भी किया जा रहा है कि बहुत जो है दिक्कत वाली बात है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत बड़ा कुछ चेंज हो गया है और सिलेक्शन प्रोसेस बदल गया है तो इससे दिक्कत होगी, हालांकि बहुत सारी चीजें बदली हैं, तो बस कुछ नहीं करना, आपको अपना स्टडी पैटर्न बदलना है और कुछ नहीं करना। घबराने की ऐसी कोई बात उसमें है नहीं है। जितने स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं, जो एक्चुअली पढ़ाई करते हैं, जो सीरियसली पढ़ाई करते हैं, जिनका एम है कि मुझे सीजीएल का एग्जाम देना है, उनके लिए कोई घबराने वाली बात है ही नहीं है, सच बताऊं तो। बस इतना कहूंगा कि एसएससी सीजीएल के अंदर अब इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा हो गया है। बिना इंग्लिश के अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप सोचें भी ना कि भाई सीजीएल में बिना इंग्लिश के आपका काम चल जाएगा। पहले इंग्लिश और मैथ्स बराबर थे, अब मैथ्स के भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स दोनों ही कम हो गए, लेकिन इंग्लिश के नंबर सबसे ज्यादा और क्वेश्चंस भी सबसे ज्यादा हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। ज्यादातर चीजें आपको पता चली गई हैं, बाकी मैं आप लोगों को डिटेल में स्टूडियो से अच्छे से लाइव करके बढ़िया तरीके से बताऊंगा। जो प्री एग्जामिनेशन है एसएससी सीजीएल का, वो क्वालिफाइंग हो गया है, जिसमें सबसे ज्यादा जोर इस बात पे दिया जा रहा है, लोग आपको डरा रहे हैं कि भाई 30% है, 20% है, 25% है, जिससे अब आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बात बताई है कि जितने स्टूडेंट सीरियस हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए 30%, 25%, 20% ये कोई मैटर ही नहीं करता, क्योंकि उनके मार्क्स इनसे अब अभी आते हैं, उनके मार्क्स अच्छे से 40%, 50% रहते हैं, ठीक है। तो क्वालिफाइंग है, आप जो सीरियस स्टूडेंट हैं या फिर थोड़ा बहुत भी उनको आता है, मतलब अगर आप लोगों के पास सीजीएल प्री देने के लिए 3 महीने हैं तो आराम से आप अभी से तैयारी कर लो, आपका प्री निकल जाएगा, आई गारंटी, ठीक है। लेकिन अच्छे स्टूडेंट होने चाहिए, पढ़ने वाले, दिमाग लगाने वाले, ठीक है, टाइम पास करने वाले नहीं होने चाहिए। तो प्री क्वालिफाइंग है, ठीक है, और 30% जनरली स्टूडेंट्स के आते हैं, तो टेंशन लेने वाली बात है नहीं है। दूसरी चीज है मेंस की कट ऑफ जो बनेगी, वो आप लोगों की सिलेक्शन का कारण बनेगी, यानी कि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको मेंस में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा और मेंस की जो आपकी कट ऑफ जाएगी, मेंस की जो मेरिट आएगी, उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। बहुत सारी बातें डिटेल में अगर आप लोगों को जाननी है तो एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ लेना, उसकी पीडीएफ को अच्छे से डिटेल में रीड करना, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूं, अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं, मैं आप लोगों को दो बातें बताना चाहूंगा कि एसएससी सीजीएल की जितने भी स्टूडेंट्स सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं इंग्लिश को लेकर के बदलते पैटर्न के आधार पर आप लोगों को बढ़िया तरीके से गाइड करके अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूं। हम लोगों की मंडे से प्रॉपरली यूट्यूब पर रेगुलर प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें मैं आपको टारगेटेड बदलते पैटर्न के हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा और आपकी स्पीड को और एक्यूरेसी को बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा, बिल्कुल फ्री में। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे एसएससी सीजीएल के लिए बेसिक इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, साथ के साथ प्रैक्टिस के साथ साथ बेसिक जो चीजें सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए एप्लीकेशन पर जो लोग फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए 299 का ऑफर ओपन कर दिया गया है। जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पैसे कम है, नहीं है, या उन्होंने पहले बैच नहीं ले पाया है, वो अभी एनरोल करके अपने बेसिक इंग्लिश को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। 299 रुपए वाला लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ओपन कर दिया गया, आराम से रजिस्ट्रेशन करो और डेली तैयार हो जाओ मंडे से, आप लोगों की प्रॉपर वोकैबुलरी की और प्रॉपर ग्रामेटिकल प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, अच्छे जो न्यू पैटर्न है उसी के हिसाब से, ठीक है। तो बस इतना ही कहूंगा एट दी एंड कि घबराने वाली कोई बात है नहीं, नोटिफिकेशन आया, बहुत सारी बातें हैं जो मैं और अच्छे से डिटेल में क्लासेस के थ्रू मैं आप लोगों को बताता चलूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस इतना ध्यान रखो प्री क्वालिफाइंग हो गया है, मेंस में आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा मैथ्स के साथ साथ, ठीक है, मैथ्स से भी ज्यादा इंग्लिश का वेटेज हो गया, इतना समझ लो, ठीक है। तो तैयार रहो, बाउंस बैक करेंगे बेहतरीन तरीके से, आपके पास काफी टाइम है, 3 महीने में आराम से आप तैयारी कर सकते हैं प्री के लिए, उसके बाद आप लोगों के पास मेंस के लिए भी टाइम मिलेगा, तो आराम से उसकी भी तैयारी करना। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, जय हिंद।